अस्सलाम वालेकुम, सुहेल फारूकी हियर। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए तीसरी रिपोर्ट लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, रिपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए ना, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट नंबर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, क्योंकि मैं ना रिपोर्ट्स को 1, 2, 3 नंबरिंग भी दे रहा हूँ और साथ साथ रिपोर्ट्स के नाम भी लिखे हैं, ठीक है। तो आप रिपोर्ट्स के नाम भी देख लें और नंबरिंग भी देख लें। अच्छा, तो स्टूडेंट्स रिपोर्ट 3 पे चलते हैं, रिपोर्ट ऑन लेबर प्रॉब्लम। बेटा, ये तीसरी रिपोर्ट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आजकल बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं मुल्क के अंदर कि लोगों को उनकी वेजेस ही सीखने से नहीं मिलती और बेरोज़गार बहुत ज़्यादा है, मतलब इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट ऑन लेबर प्रॉब्लम से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बहुत से टॉपिक्स बीच में आते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। देखें, जैसे कि आपको सारा फॉर्मेट पता है कि आप रिपोर्ट 3 लिखेंगे तो रिपोर्ट प्रॉब्लम आ जाएगा, रिपोर्ट ऑन लेबर प्रॉब्लम आ जाएगा। और ये देखें, ये पूरा का पूरा आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। उस पर आगे चलते हैं 2, जैसे कि अब हम लिख रहे हैं द डायरेक्टर जनरल को। ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लाहौर। अब देखें, फ्रॉम मैं एक किसकी तरफ से लिख रहे हैं, अब हम ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर की तरफ से लिख रहे हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, सब्जेक्ट हमारा लेबर प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको सारा पता है सर। अब मैं सिर्फ सीधा सीधा इसको पढ़ने लगा हूँ, इसको ख़त्म करने लगा हूँ। सर, कोमा लिखकर, इट इज़ विद बंडल ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज़ विद बंडल ऑफ रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंसनट्रेशन, जैसे कि मेरी तमाम रिपोर्ट्स में ये सेंटेंस सेम ही है, ठीक है। टूवर्ड्स किसकी तरफ, लेबर प्रॉब्लम जो हमारा मेन टॉपिक होता है उसकी तरफ मैं आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कंसनट्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कंसनट्रेशन से मतलब समझदार आना, तवज्जो लेकर जाता हूँ किसकी तरफ, लेबर प्रॉब्लम की तरफ ऑफ वर्कर्स की, ठीक है जी। हाउएवर इन दिस रिगार्ड, अगर जाए इस मामले में वी ऑब्जर्व, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉब्लम, हमने एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखी है अबाउट लेबर इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज, किसमें, मिल्स में और फैक्ट्रीज में देखा। स्टूडेंट समझ आ गए यहाँ तक, आगे चलते हैं। द सब्जेक्ट इज़ दैट, एक्चुअली बात सब्जेक्ट ये है कि, सब्जेक्ट से मतलब टॉपिक ये है, बात ये है कि हमारा मुद्दा जो है वो ये है कि काइंडली रेफर टू योर लेटर, अपने इस लेटर को रेफर कर दें, क्या है जी, नंबर A3020 अबाउट द सबमिशन। सबमिशन का मतलब बेटा क्या होता है, सबमिटेड करवाना ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट को तस्लीम करवाना, सबमिट जमा करवा देना, कहाँ पर, ऑन द सब्जेक्ट विच इज़ अबव। ये जो ऊपर वाला सब्जेक्ट है जो हमने दिया है, ऊपर वाला जो टॉपिक है हमारा, इसको सबमिट करवा दीजिए इस रिपोर्ट को, किस जगह पे, 23A, ये को पता है किसी जगह का, ये जैसे कि ये आप लगा लें कि डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट का समझ है वो नीचे एड्रेस है, वहाँ पर इस रिपोर्ट को क्या करवाना है, सबमिट करवाना, ठीक है। अब ये सबमिट करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे सारी प्रॉब्लम्स लिखेंगे तरतीब के साथ, जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक समझाए हैं उसी तरह से। अगर आप कहते हैं मैं रिवाइज़ कर दूँ, तो मैंने आपको 5 टॉपिक लिखवाए थे रिपोर्ट रिवाइज़ करने से पहले। तो सबसे पहले रिपोर्ट पढ़ने से पहले अगर किसी ने मेरा पहली बार लेक्चर देखा है, तो वो मेरे लेक्चर रिपोर्ट हाउ टू मेक रिपोर्ट, ये वाले लेक्चर पर वो जाए, ठीक है। मैं वैसे भी ना वो उसको मैंने लिख दिया कि हाउ टू लर्न रिपोर्ट या हाउ टू मेक रिपोर्ट, ये एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ समझाया हुआ है कि कैसे कौन कौन से टॉपिक पर रिपोर्ट लिखनी चाहिए। वो वाला अगर आपको नहीं पता तो उस लेक्चर पर जाकर आप सारे जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो उसको देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे हम कहाँ थे, ये ऑन द रिसीट ऑफ योर ऑर्डर, रिसीट कहते हैं इसे, रिसीट टी को नहीं बोलते, ऑन द रिसीट बेटा इसका मतलब होता है रिसीट, वसूल करना ऑफ योर ऑर्डर, मतलब आपने जो ऑर्डर्स किए थे ना उसकी वसूली के लिए, ठीक है। आई विजिटेड, मैं गया मैनी फैक्ट्रीज, बहुत सी फैक्ट्रीज में एंड मिल्स में गया, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, ऑन द रिसीट बेटा, रिसीट नहीं कहना है इसको, ठीक है, ऑन द रिसीट वसूली के लिए ऑफ योर ऑर्डर आपके, आई विजिटेड में गया था मैनी फैक्ट्रीज में एंड मिल्स में गया था ऑफ द सिटी शहर की, आई इंटरव्यूड, फिर मैंने इंटरव्यू लिया ऑफ लेबर्स का एंड मेम्बर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया के अफराद का भी मैंने इंटरव्यू लिया एंड फाउंड दैट, और फिर पाया आर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को वर वर्किंग अंडर पीटीएबल कंडीशन, जो काबिल रहम सूरत हाल पर काम कर रहे हैं, पीटीएबल यू नो आपको पता ही होगा, देवर बींग थ्रेटनिंग, उनको डराया जा रहा था, देवर बींग थ्रेटनिंग, उनको डराया जा रहा था बाई फियर ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, उनको इस खौफ जॉब की सिक्योरिटी है ही नहीं वहाँ पे,
उनकी जॉब सिक्योर है ही नहीं है, उनको उससे डराया जाता है। अब डराने के बाद क्या नतीजे निकलते हैं, वो हम पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट नतीजे के तौर पर दे आर वर्किंग, वो बेचारे काम कर रहे हैं, ठीक है जी, देर वहाँ पर विद एन इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट कहते हैं नाकाफी इनकम, इनकम मतलब उनको डराया जाता है कि अब जॉब से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेचारे क्या करते हैं फिर, वो इनएडिक्वेट इनकम पर ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, चलिए एक बार फिर पढ़ा देता हूँ। कहते हैं एज अ रिजल्ट, देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूँ। देखें हमने जो पैराग्राफ ऊपर लिखा है ना कि मैं गया था कहाँ पर फैक्ट्री और मिल्स में, इंटरव्यू लिया वर्कर्स का, फिर उनसे सारे की सारी उनकी कंडीशन पूछी तो मुझे उनकी बड़ी पीटीएबल कंडीशन नज़र आई, ठीक है, और बेचारे वहाँ पे बड़े वो परेशान थे। अब पीटीएबल कंडीशन क्या थी, साथ ही उसके मैंने नेक्स्ट वाला जुमला सेंटेंस जोड़ दिया। अब साथ ही जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस जोड़ा उसमें देखें क्या है, उसके अंदर साथ ही ये बता दिया गया कि भाई वो जो पीटीएबल कंडीशन थी बेचारे उनको डराया जा रहा है। क्या डराया जा रहा है, इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब से, ठीक है। अब इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब के साथ ही अगला जुमला मैंने जोड़ दिया जिसके अंदर नतीजे निकलते हैं। ओब्वियसली जब बंदे को जॉब का डर होता है मेरे हाथ से ना चली जाए, क्योंकि नतीजा तो निकलते हैं ना, और नतीजा गलत नहीं निकलता, वो गलत ही निकलता है, अच्छा बुरा ही निकलता है। अब वो नतीजा क्या था, एज अ रिजल्ट वो नतीजा ये है कि ये पीछे वाले सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर कोई स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर पहली बार सुन रहा है तो उसको ये सुनकर ये यकीन हो जाना हो जाएगा कि बेटा लिखाई जो होती है वो इस तरह से लिखते हैं, राइटिंग इस तरह से करते हैं। मतलब अगर कोई रिपोर्ट लिखनी है, ऐसे लिखना है, कोई भी चीज़ लिखनी है, तो बेटा उसके लिखने का तरीका ये होता है कि स्टूडेंट्स उसको उसकी हर सेंटेंस जो होता है उसका रिपोर्ट का ऐसे का या किसी भी पैराग्राफ का हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ मैच होना चाहिए, हर पैराग्राफ दूसरे सेंटेंस के साथ जुड़ा होना चाहिए, मैच मतलब जुड़ा होना चाहिए। इसलिए देखें ये सारे के सारे पैराग्राफ और सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही हमने फील किया, देखा अच्छा इनसिक्योरिटी ऑफ मतलब फियर ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब है, फिर उसका नतीजा भी तो निकलना है ना, फिर एज अ रिजल्ट नतीजे के तौर पर, अब देखो ये जोड़ दिया ना मैंने, इसी तरह लिखने का तरीका होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे आर वर्किंग, वो बेचारे काम कर रहे हैं देयर ओन फैक्ट्रीज में विद एन इनएडुकेट इनकम, लो जो नतीजा भी निकला, वो नाकाफी इनकम पर वहाँ पे काम कर, नाकाफी इनकम से मुराद क्या है, अब वो आगे वाले पैराग्राफ में मैं लिखूंगा, जैसे लिखूंगा वो पीछे वाले पैराग्राफ में नुमाइंदगी करेगा, ये है राइटिंग का सोल। ड्यू टू दैट का मतलब क्या होता है, की वजह से देर इनसफिशेंट रेवेन्यू, इनसफिशेंट नाकाफी रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है। ड्यू टू दैट बेटा ये एक फ्रेज है, ठीक है ना, ड्यू टू दैट इसकी वजह से देर इनसफिशेंट इन रेवेन्यू, उनकी नाकाफी इनकम होने की वजह से, जो इनकी इनसफिशेंट रेवेन्यू मतलब इनकम है, ठीक है जी, कैन नॉट अफोर्ड, इनकी ये इनकम अफोर्ड नहीं कर पाती द एक्सपेंस ऑफ स्टडी, सर्दी के एक्सपेंस को, अखराजात को, एंड हाई एजुकेशन और हाई एजुकेशन को इन स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, बेचारे फिर अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में नहीं भेज पाते, ठीक है जी। सो योर कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ थॉट, आपका समझदार आना, कॉम्प्रिहेंसिव समझदार आना वे ऑफ थॉट, तरीका जो है सोचने का, कैन अंडरस्टैंड, वो ये समझ सकता है द लॉस ऑफ, ये बेटा डबल ऑफ लिखा गया, सिंगल ऑफ ही, ठीक, द लॉस ऑफ को समझ सकता है, लॉस को किसके, एजुकेशन के, एज वेल और साथ ही साथ, एज वेल एज साथ ही साथ द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिटी, और साथ ही साथ इंसान की इकतदार मतलब कदरों की भी खो जाने को भी समझ सकते हैं आप। अब हम ये किसको कह रहे हैं, जिसको हमने ये शुरू में रिपोर्ट लिखी थी, ये देखें द डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ये बात, सजेशन के तौर पे पैराग्राफ आ गया अब ये वाला, ठीक है ना, आगे चलते हैं। द इंजर्ड वर्कर्स, अब देखिए अब जब देखिए अब ये पैराग्राफ कैसे आगे वाले पैराग्राफ से जुड़ा होगा, ठीक है, अब जब मैंने ये नीचे वाले पैराग्राफ में ये लिखा है ना, द इंजर्ड वर्कर्स, ये जो जख्मी लोग हैं, वर्कर्स जो हैं, कैन नॉट गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब ये क्या हुआ, ये लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, क्या वो इंसान की कदर ही नहीं है, क्या वो बेचारा बीमार है तो आप उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं पूरी दे रहे, जुड़ गई बात पीछे से, पीछे वाले पैराग्राफ से, आगे देखें। साथ ही एज द होल ड्रामा ऑफ थॉट, अब मैंने कहा जो जितनी भी सोच का एक ड्रामा है या जितनी भी हमारी सोच अकल है, इज कंसिडर्ड, ये मानी जाती है फॉर सजेशन, जिसके लिए अंदर हम समय सजेशन देना चाहते हैं अबाउट द सीरियस
threat of labor problem. अब बेटा ये मैंने क्यों जुमला लिखा, ये जुमला मैंने इसलिए लिखा कि ये सीरियस थ्रेट ऑफ लेबर प्रॉब्लम बेटा, इंसान की जब इंसानी कदर ही नहीं होनी तो वो सीरियस थ्रेट ही होना है, इंसान ने मरना ही है, उसकी इंसान की जान, चलो पैसे तो नहीं दे रहे आप उसको सही, ड्यूटीज आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम वो बेचारा बीमार है, उसको मेडिकल फैसिलिटी तो पूरी दे दो, बात मेरी समझ में आई है। इसलिए जुमला यहाँ पे सही परफेक्ट इस तरह लिखा गया कि देखिए इंजर्ड वर्कर जो हैं वो कैन नॉट गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, इस बात को हाईलाइट करने के लिए नीचे वाला जुमला लिखा गया एज अ होल ड्रामा ऑफ थॉट इज दैट इज कंसिडर्ड, वो माना जाता है ये कि फॉर सजेशन, जिसमें हम सजेशन ही दे सकते हैं, ये नहीं कह सकते आप किसी भी हाल में ऐसा करें, क्योंकि कोई किसी के बाप का अफसर तो नहीं होता कि वो उसको ऑर्डर लगा दें, हम लिखते हैं तो बात सजेशन में ही लिखते हैं, ठीक है, हमेशा अबाउट द सीरियस थ्रेट ऑफ लेबर प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब उसका होल ड्रामा जो थॉट है वो ये मानेगा सजेशन के तौर पर कि भाई ये बड़ा सीरियस थ्रेट है भाई, कि इंसान की इवन के वर्कर्स की सेल का तो कम से कम ख्याल रखा जाए, बेचारे मर जाते हैं ऐसे। वी हैव टू मेक इंस्टेंटेनियस, बेटा इंस्टेंटेनियस होता तो क्विकली, वी हैव टू मेक इंस्टेंटेनियस क्विकली स्टेप्स, उसको तेज़ी से मतलब इकदाम लेने चाहिए हम लोगों को। देखें इसका तर्जमा करता हूँ, वी हैव टू मेक, हमें लेने पड़ेंगे, वी हैव टू मेक, हमें लेना पड़ना है, यू नो आपको पता है आपके पास टू आ जाए तो ये मजबूरी में काम करना होता है, ठीक है ना, वी हैव टू मेक, हमें लेना पड़ना है इंस्टेंटेनियस क्विकली जल्दी से स्टेप्स इकदाम लेने हैं अबाउट देयर मेडिकल फैसिलिटीज, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, ठीक है, वेजेस उनकी मजदूरी के बारे में, एट आवर्स ऑफ ड्यूटी, उनकी एट आवर्स ऑफ ड्यूटी भी करवानी पड़े, क्यों, क्योंकि वो बेचारे 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं और सैलरी थोड़ी सी मिलती है, इसके बारे में स्टेप लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बोनस के बारे में स्टेप लेना पड़ना है, सैलरीज के बारे में स्टेप लेना पड़ना है, और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, उनकी ज़रूरियात की मुताबिक हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, और उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को बेहतर करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस वो इकदाम उठाने पड़ेंगे। ले बेटा जी, ये हमारी रिपोर्ट मुकम्मल होगी, नीचे एक्स वाई जी लिखकर आप इसको मुकम्मल करें, और रिपोर्ट के बिल्कुल अहतमाम पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों रिपोर्ट आ चुकी है, कि आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट आ गई कि आप लोगों के एक महीने के बाद ना पेपर्स हैं, तो बेटा अब जो जो टॉपिक्स में पढ़ाता जा रहा हूँ इसे पढ़ते चले जाओ, अच्छी तरह से देखते चले जाओ, इनमें कुछ चेंजिंग्स ना करना, बड़े ही सोच समझ के इनके अंदर ये छोटे छोटे जो चेंजिंग्स हैं कर करके इनको सोच सोच के बनाया गया हुआ है, ताकि ये जो है ना आप लोग पेपर पास कर सकें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग किसी भी लेक्चर से महरूम ना रहें, ये ना हो कि आप लोग तैयारी करके भी महरूम रहें, ठीक है। और मैंने तरीका आपको बता दिया हुआ है, रिपोर्ट नंबर 1, रिपोर्ट नंबर 2, रिपोर्ट नंबर 3 बाय सर सुहेल फरूकी BSc क्लास, ये लिखेंगे तो आप लोगों को रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और टॉपिक्स आप लोगों को बीच में से मिल जाएंगे, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रिपोर्ट नंबर 1, रिपोर्ट नंबर 2, रिपोर्ट नंबर 3, अभी तक मैंने 3 रिपोर्ट्स को अपलोड किया है। जब आप लिखेंगे सर रिपोर्ट नंबर 1 BSc बाय सर सुहेल फारूकी, उसी टाइम में लेक्चर आ जाएगा, ठीक है। जब मेरा एक रिपोर्ट आ जाएगी, दूसरी तीसरी भी अपने आप नीचे आ जाएंगी इंशाल्लाह, मैं बाकी रिपोर्ट्स भी पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात ये रही, इन रिपोर्ट्स के अलावा मैंने सबसे पहले एक रिपोर्ट का लेक्चर अपलोड किया था, रिपोर्ट बनती कैसे है, हाउ टू मेक रिपोर्ट, ये वाला लेक्चर भी मैंने दिया, वो लाजमी सुने, ठीक है जी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिपोर्ट के बनने का तरीका क्या है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है रिपोर्ट में आप लोगों से मुलाकात होती है।